मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय रूबी सेंटर्स बोल। स्वागत है। 201 हैं। और आज है 19 तारीख और कल है 20 तारीख, तो आज है स्पेशल। मतलब स्पेशल तो कल है, करवा चौथ स्पेशल है। और करवा चौथ आपको पता ही होगा, करवा चौथ आज है, करवा चौथ का आखा। और हमने सुबह उठ के नहाया और उसके बाद ही चाय पी, पर चाय देख के होता ना लालच बढ़ जाता, इसलिए मैं आज जल्दी की चाय मेरे हस्बैंड बना लिए थे और मुझे देखे आए। मुझे बाद में याद आया कि अरे बापरे आज तो नहा खा है, तो आज मुझे करना चाहिए, नहा के ही चाय पीऊँगी। इसीलिए मैं नहा के पी और मैं देख देख के उसे लग रहा था मैं कब नहाऊँ कब नहाऊँ। मैं 10 बजे के पहले नहीं नहाती, मतलब 9 बजे तक नहाती हूँ। और क्या ही बताऊँ, माही की तो मेहंदी लग गई है पर हमारी मेहंदी अधूरी रह गई है, मैं क्या ही बताऊँ क्या। और मैंने चूड़ी पहना है, ऐसा दिखा कि चूड़ी नहीं पहनी हूँ। और माही अपना मेहंदी दिखा दीजिए प्लीज़। और हमारी मेहंदी क्यों अधूरी रह गई है मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये देखिए इस अथी का कलर ना अजीब सा था, मतलब मेहंदी का कलर जो होता है, मेहंदी का कलर जैसा नहीं आ रहा था। आप खुद देखिए पैर में, आप हमारे पैर की मेहंदी देखिए कितना सुंदर आया है ना। पर हाथ में ये मेहंदी पहले से था हमारे पास, फ्रिज में मैं रखी थी। और वो जो मेहंदी मैं जब हाथ में मेहंदी लगाए, वो मेहंदी कल ये लेके आए थे और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब मुझे देख के गुस्सा भी आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं आज ही मेहंदी लगाती हूँ पर आज मुझे लेट होगा और घर का पूरा काम भी करना है। तो मैं क्या ही बताऊँ आप सबको, अभी तक मैं मेहंदी नहीं लगाई हूँ, बस पैर पे लगाई हूँ और हाथ पे नहीं लगाई हूँ। मैं लगाऊंगी दोपहर में, मुझे भी लगाना है। और मैं बोलती हूँ ना कि यदि करवा चौथ स्पेशल होता है, स्पेशल हर सुहागिन के लिए होता है, हमारे लिए भी है। और करवा चौथ मतलब मैं जब शादी नहीं हुआ था तब से मुझे ये लगता था कि मैं ये पर्व करूँगी। जब मेरे हस्बैंड से बात होती थी ना शादी के पहले, मैं उनसे पूछती थी कि आपके घर होता है। देखिए मेरा हाथ में भी एक महीने लग रहा है, मैं भी आंटी से नीचे जाके लगवाऊंगी। और क्या ही बताऊँ, हर मतलब ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो क्या होता है ना कि कितना लोग मतलब कितना लोग का तो नहीं पता, पर मैं करवा चौथ का, जैसे करवा चौथ ख़त्म होता है मैं फिर से इंतज़ार करती हूँ कि अब आएगा करवा चौथ, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, क्योंकि मुझे सजना धजना ही बहुत अच्छा लगता है। और सारी पर्व से मेरा ये फेवरेट है, इसीलिए मैं पूरे साल भर तक इंतज़ार करती हूँ इस पर्व का। और सजना धजना हर सुहागिन के नसीब में हो, वो हमेशा फलती धजती रहे। और मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी हमारे पति को हमारी भी उम्र लगा दीजिएगा, क्योंकि हमारे पति हैं तभी हम सब का ये स्वभाव भी होता है कि हम सब खूब सजे धजे। और क्या ही बताऊँ, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए भी और आज के लिए भी। मैं सुबह उठी ना तो ऐसा लगा मैं उसका मेहंदी देखी तो मेरा मेहंदी नहीं लगाई थी, मैं मेहंदी नहीं लगाई थी तो थोड़ा सा मैं ये हो गया। और आप सबसे क्या ही बताऊँ, करवा चौथ हैप्पी करवा चौथ। और मैंने सारे शॉपिंग कर ली हूँ और कुछ बाकी है जो आज जाऊंगी लाने, और जाऊंगी तो देखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जाके दिखाऊंगी आप सबको मैंने ये लिया वो लिया, पर क्या होता है ना कि रिकॉर्ड करने वाला कोई नहीं रहता है। और मैं जाती हूँ ना, मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, ब्लॉग शूट करना है, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो कल के लिए हैप्पी करवा चौथ। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट भी करके बताएं कि किस किस को अच्छा लगता है करवा चौथ का व्रत। मुझे तो स्पेशली बहुत ही अच्छा लगता है, मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ इस पर्व को मनाने के लिए। और उससे ज़्यादा मैं बता नहीं सकती। और क्या ही बताऊँ।